स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। आज हम लोग फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। शुरू करते हैं पहले शैक्षणिक योग्यता से। तो नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है, काफ़ी लोग जो है वो लिखने का तरीका इस तरह से है कि काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ हैं, इसको हम आपको तोड़ के बता रहे हैं। पहला है कि स्नातक के लिए लिखा गया है कि किसी एक विषय के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। उसमें जो है 8 विषय का मेंशन किया गया है, 8 विषय के बारे में, जो पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, सांख्यिकी और भूगर्भ विज्ञान। तो स्नातक स्तर पर इसके बारे में दिया गया है कि ये जो 8 सब्जेक्ट है, इसमें से यदि कोई भी एक विषय आपका है स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ, स्नातक जो ग्रेजुएशन हुआ है आपका, इस 8 में से एक विषय के साथ यदि आपका है ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, स्नातक जो आपका होना चाहिए, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री या इंजीनियरिंग, किसी भी ब्रांच से आपका है या बीसीए है, तो एक पोर्शन ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर हो आपका, बीएससी फॉरेस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो एनी ब्रांच में, और बीसीए हो। तो यहाँ पर आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि ऊपर वाले में किसी एक 8 में से किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन लेवल पर आपका पढ़ा होना चाहिए, और ये जो 4 चीज़ें हैं ग्रेजुएशन स्नातक जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच में, और बीसीए। अब शारीरिक मापदंड का बात कर लें, क्योंकि जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए होता है इम्पॉर्टेंट कि पहले उस चीज़ को आप फुलफिल कर रहे हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से शारीरिक मापदंड के बारे में भी होता है। यदि हाइट हो गया जैसे, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है, जो हाइट है वो तो घट बढ़ सकता नहीं है, हाइट हो गया, सीना हो गया, ये सब चीज़ यदि आपका जो मांगा गया है वो हो तभी आप अप्लाई करें। तो ऊंचाई जो इसमें मांगा गया है वो 163 सेंटीमीटर सभी के लिए है, सिर्फ एसटी को छोड़ करके, सिर्फ इसमें एसटी के लिए अलग रखा गया है 152.5। तो पुरुष के लिए हो गया आपका 163 सेंटीमीटर एसटी को छोड़ के सबके लिए, महिलाओं के लिए जो है 145 सेंटीमीटर एसटी के लिए है, उसके अलावा सभी कैटेगरी के लिए जो है 150 सेंटीमीटर है, ठीक। वहीं पर सीना का बात करें तो पता ही होगा आप लोगों को कि ये सिर्फ पुरुष के लिए लागू होता है, बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर है मिनिमम, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। यहाँ पर नोट दिया गया है नीचे कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यानी कि जैसे मिनिमम 79 सेंटीमीटर दिया गया है, मान लीजिए आपका 82 आ रहा है, तो 82 बिना फुलाए यदि आपका हो रहा है, मांगा गया है 79, तो बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो 82 प्लस 5 जो होगा यानी कि 87, वो आपका फुलाकर होना चाहिए। ये चीज़ मेंशन किया गया है यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। अब सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो 3 स्टेज में इसका जो है प्रोसेस है। पहला स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। स्टेज 2 है इंटरव्यू। स्टेज 3 है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET। स्टेज 1 का बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के का पैटर्न होगा इसका। पेपर 2 पेपर इसमें होगा। पहला पेपर जो होगा आपका वो सामान्य हिंदी का होगा, 1 घंटे का, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स का ये होगा। इसमें क्या है कि पेपर 1 जो है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% जो है मिनिमम मार्क्स इसमें आपको स्कोर करना है, ये क्वालिफाइंग है, इसको जो है मेरिट बनाने में इसका मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि 0.2 जो है वो निगेटिव मार्किंग है इसमें, 1 प्रश्न आप गलती करेंगे तो 0.2 मार्क्स आपका कट जाएगा हिंदी में, पेपर 1 में। वहीं पर पेपर 2 का बात करें तो 2 घंटे का ये होगा, सामान्य अध्ययन इस पेपर का नाम है, 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे और 300 मार्क्स का ये होगा, 1 प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर 0.3 निगेटिव मार्किंग होगा, यहाँ पे 1 प्रश्न आप गलती करेंगे तो 0.3 मार्क्स जो है आपका कट जाएगा। पेपर 2 का हम बात करें, क्योंकि हिंदी का जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो जिस तरह से बाकी सभी में होता है, मेंस लेने से पहले जो 100 मार्क्स का लिया जाता है उसमें बोला जाता है 30 मार्क्स स्कोर करने, उसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव ये भी होगा सामान्य हिंदी का, जैसे बाकी सभी एग्जामिनेशन में मेंस से पहले लिया जाता है। पेपर 2 का हम बात कर लें तो पेपर 2 का जो सिलेबस होगा वो मेंशन किया गया है कमीशन के द्वारा कि उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मुद्दे, नागरिक शास्त्र, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, गणित और मानसिक योग्यता जांच, इन सारे सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे,
ये 8 जो है सब्जेक्ट टोटल इसका मेंशन किया गया है आपके नोटिफिकेशन में। तो कुल मिलाकर देखें इस 8 सब्जेक्ट के आधार पे तो जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग मोटा मोटा देखा जाए तो इन चारों सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, ठीक है। बाकी इन 8 में से आप देख लीजिए कि क्या क्या है मुख्य रूप से, जैसे भारतीय भूगोल हो गया, भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है, लेकिन जो है मुख्य रूप से मोटा मोटा 4 सब्जेक्ट से जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टेज 2 का आप बात करें इंटरव्यू का, तो पेपर 2 के मेरिट के आधार पर कुल रिक्तियों का 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे कि आप देखें कि पेपर 2 का जो मार्क्स होगा, पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, पेपर 2 जो है मेरिट बनाने में इसका जो है काउंट किया जाएगा इसके मार्क्स को। तो पेपर 2 में जो आप स्कोर करेंगे उसमें जितना सीट होगा, मान लीजिए 100 सीट है यदि, तो 600 लोगों को जो है ऊपर से पेपर 2 के मार्क्स के आधार पर बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू उनसे लिया जाएगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। 50 मार्क्स के इंटरव्यू में आपसे जो पूछा जाएगा वो नीचे दिया गया है, साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है, आपका पर्सनैलिटी जो है, विषयों के ज्ञान, सब्जेक्ट का आपका ज्ञान, उसके बाद समसामयिक घटनाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स वगैरह, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि क्या क्या आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, किस तरह का इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। वहीं पर स्टेज 3 का बात करें तो साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का ये फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जिनका इंटरव्यू में जिनको बुलाया गया है 6 गुना लोगों को, उन्हीं का ये जो है इंटरव्यू सॉरी फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो यानी कि आप समझें तो 6 गुना कैंडिडेट्स को जो पेपर 2 के आधार पर जो क्वालिफाई किए हैं उनका इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट होना है। तो फिजिकल टेस्ट में आपका शारीरिक परीक्षण जो होगा, जिसमें आपको यहाँ पर सिर्फ पैदल चलवाकर देखा जाएगा। पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर का पैदल चलना है, ठीक है। वहीं पर महिलाओं के लिए 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर का पैदल चालन का प्रावधान है, ठीक है। तो इस तरह से ये पैदल चलने का हो गया 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर पुरुष और महिलाओं के लिए। उसके बाद शारीरिक परीक्षण के बाद जो है, इस टेस्ट के बाद आपका जो है एक फिर मेडिकल टेस्ट होता है, चिकित्सीय परीक्षण, जिसमें आपको शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का जो कि शारीरिक परीक्षण आपसे जो पैदल चाल लिया जाएगा, उसके बाद चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम, एक मेडिकल टीम होगा जिसके द्वारा ये कराया जाता है, जो जनरली जो है सभी दरोगा वगैरह के एग्जाम में भी वो लास्ट में होता है आपका मेडिकल, ठीक है, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे, ये सब जो भी है जनरल जो एक टेस्ट होता है मेडिकल का, वो आपका किया जाता है कि आप फिट हैं कि नहीं। वहीं पर अब फाइनल मेरिट का बात कर लें तो फिजिकल एंड मेडिकल पास अभ्यर्थियों में से अंतिम मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। वहां आप देख लिए कि पेपर 2 के आधार पर आपको 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है 50 मार्क का इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर फिजिकल और मेडिकल। तो फिजिकल मेडिकल जो पास रहेंगे, ठीक है, तो उनका पीछे का जो पेपर 2 प्लस इंटरव्यू का मार्क्स है उसके आधार पर जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक। यानी कि 300 हो गया आपका मार्क्स पेपर 2 का और 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू हो गया, तो 350 जो मार्क्स है इसके आधार पर मेरिट का जो है निर्माण किया जाएगा, ठीक है। पोस्ट आपको जो है पोस्ट के हिसाब से कितना वैकेंसी है, कितने सीट्स हैं, उसके हिसाब से जो है ये निर्धारित होगा 350 में से कि कितना मेरिट जा रहा है, और मेगा सूची का इस तरह से निर्माण होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।